आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे शहर के बारे में जिसे भारत की शान और प्रेम का मिसाल माना जाता है। ये शहर दुनिया को प्रेम और त्याग का पाठ पढ़ाता है। इसे प्रेम नगरी कहो या किलो की नगरी, एक ही बात है। ये एक ऐसा शहर है जो अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। ये शहर कभी मुगलों की राजधानी हुआ करती थी और इस शहर की खान पान रहन सहन की बात तो पूरी दुनिया में चर्चा में रहती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये शहर कभी लंदन से भी ज्यादा अमीर हुआ करता था। अगर कोई विदेशी पर्यटक भारत आता है तो सबसे पहले यही शहर घूमने आता है और ये भारत का दूसरा शहर है जो तीन तीन विश्व विरासत को संभाले हुए है। साथ ही साथ ये शहर माना जाता है अपने यहाँ बने चमड़े के उत्पाद के लिए। दोस्तों, ये है भारत का सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला शहर आगरा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दुनिया के सात अजूबों में से एक ताजमहल की नगरी आगरा के बारे में। दोस्तों, सदियों से आगरा को एक ऐतिहासिक नगर माना जाता है। वैसे तो आगरा का इतिहास मुख्य रूप से मुगल काल से ही चर्चा में आया, लेकिन इसका संबंध महर्षि अंगिरा से है। इतिहास में इसका पहला जिक्र महाभारत के समय से है, जब इसे अग्रबाण या अग्रवन के नाम से संबोधित किया जाता था। आमतौर पर यह माना जाता है कि आगरा महाभारत के समय में एक प्राचीन शहर था, लेकिन फिर भी दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम शासक सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 में फिर से आगरा की स्थापना की। सुल्तान की मृत्यु के बाद शहर सुल्तान के बेटे इब्राहिम लोदी के पास चला गया और फिर मुगलों के साथ ही साथ शहर की सुनहरी उम्र भी शुरू हुई। दोस्तों, आगरा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के यमुना नदी के तट पर स्थित एक शहर है। 121 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये शहर राजधानी नई दिल्ली के 206 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई करीबन 171 मीटर है और इसके उत्तर में मथुरा, दक्षिण में धौलपुर, पूर्व में फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, दक्षिण पूर्व में फतेहाबाद और पश्चिम में भरतपुर से घिरा हुआ है। आगरा को कानपुर के बाद उत्तर प्रदेश का औद्योगिक राजधानी भी बोला जाता है। लगभग 16 लाख निवासियों के साथ आगरा उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 23वां सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। 2011 की भारतीय जनगणना के आंकड़ों के अनुसार आगरा शहर की जनसंख्या 15 लाख है, जबकि आगरा महानगरीय क्षेत्र की जनसंख्या 17 लाख है। हिंदू धर्म आगरा में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा पालन किया जाने वाला धर्म है, जिसके अनुयायियों की संख्या शहर की कुल जनसंख्या का 80.69% है। इसके बाद इस्लाम आगरा शहर में दूसरा सबसे ज्यादा पालन किए जाने वाला धर्म है। साथ ही साथ यहाँ जैन, सिख, ईसाई और बौद्ध धर्म भी है और यहाँ लगभग 1.66% लोग कोई भी विशेष धर्म नहीं मानते हैं। आपको बता दें कि आगरा में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हिंदी और उर्दू हैं, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की आधिकारिक भाषाएं भी हैं। शहर में मुख्यतः हिंदी भाषा का ही चलन है, लेकिन आसपास के गांव इलाकों में ब्रज भाषा मुख्य बोली है। शहर में अन्य कम बोली जाने वाली भाषाओं में पंजाबी और बंगाली प्रमुख है, जो बाकी राज्यों से शहर में आए लोगों द्वारा बोली जाती है। आगरा अगर किसी चीज के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है तो वो आपको तो पता ही है क्या है, वो है ताजमहल। ताजमहल मुगल वास्तुकला का सबसे उत्कृष्ट नमूना है। मोहब्बत की इस निशानी को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनवाया था, जो विश्व की सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक है। दुनिया भर के करोड़ों की संख्या में पर्यटक ताजमहल देखने के लिए आगरा आते हैं। हर प्रेमी जोड़े की ख्वाहिश होती है कि वो ताजमहल जाकर अपनी प्रेमिका के साथ तस्वीर खिंचवाए। ये विश्व के सात अजूबों में से एक है और आगरा की तीन विश्व सांस्कृतिक धरोहरों में से एक है। अन्य दो धरोहर आगरा किला और फतेहपुर सीकरी है। यूं तो आगरा का ताजमहल विश्व भर में प्रसिद्ध है, लेकिन साथ ही साथ आगरा का किला भी सैलानियों में कुछ कम प्रसिद्ध नहीं है। आगरा का किला ताजमहल से लगभग 2.5 किलोमीटर यानी कि 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुगल काल में बनवाया गया ये किला आगरा की खूबसूरती में चार चांद लगाता है। दोस्तों, अगर आप खाने पीने के शौकीन है ना, तो भाई आगरा घूमने जा ही रहे हैं तो यहाँ आपके लिए बहुत ही बड़ा खजाना इंतजार कर रहा है। आगरा के रसोइया खाना पकाने में इतने अच्छे हैं कि दिल्ली की कई शादियों में हलवाई आगरा और इसके आसपास के इलाकों के होते हैं। ताजमहल के साथ साथ कई ऐतिहासिक इमारतों की खूबसूरती आपको अपनी ओर तो खींचेगी, साथ ही साथ यहाँ मिलने वाली तरह तरह की खाने की चीजें ना आपके सफर को यादगार बनाएंगी। खास तौर पर यहाँ का स्ट्रीट फूड, जिसे देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाता है। यहाँ के जायकेदार व्यंजनों की खुशबू से लोगों का जी ललचा जाता है।
आपने पूड़ी कचौड़ी हर जगह खाई होगी, लेकिन आगरा में मिलने वाली बड़ई और आलू की सब्जी कहीं और नहीं मिलेगी। इस सब्जी से सुबह जायकेदार हो जाती है। इसका स्वाद बहुत ही लुभावना होता है। बड़ई मटर कचौड़ी सुबह जायकेदार बनाता है तो शाम भी कम लजीज नहीं है। यस, दोपहर के बाद दिन ढलने के साथ ही शहर के तमाम इलाकों में स्ट्रीट फूड की दुकानें सजने लगती हैं। यहाँ शाम के समय आपको हर थोड़ी दूरी पर चाट की वैरायटी मिल जाएगी। और हालांकि यहाँ चाइनीज फूड का भी तड़का लगने लगा है। आगरा पेठा और दाल मोठ के लिए काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ की जलेबी और मूंग का हलवा भी लोग बहुत पसंद करते हैं। यहाँ से कई देशों में पेठा एक्सपोर्ट भी किया जाता है। राम बाबू पराठे वाला आगरा में 1935 से है और यहाँ के पराठे लोगों को दीवाना बना देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप आगरा आए हैं और यहाँ का पेठा नहीं खाया तो फिर भाई क्या ही किया, शायद आपकी आगरा यात्रा अधूरी रह जाएगी इसके बिना। ताज नगरी की स्पेशल लोकल डिश जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, ना ही आपने सुनी होगी, वो है झाग। ये डिश दूध से बनी होती है और झाग की ही तरह दिखती है। इस झाग को मिट्टी के कुल्हड़ में पीने का मजा ही कुछ और होता है। अगर आपको आगरा घूमते हुए ये झाग पीने का मौका मिले तो गलती से भी मिस मत करना, लपक लेना। जी हाँ दोस्तों, आगरा में टूरिस्ट को भगवान माना जाता है। दिल्ली के बाद आगरा उत्तर प्रदेश का एकमात्र शहर है जहाँ 10 से ज्यादा 5-स्टार होटल हैं। एक जमाने में यमुना नदी का पानी इतना साफ था कि इसे ब्लू रिवर के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन दुख की बात यह है कि आगरा दिल्ली के बाद यमुना नदी के प्रदूषण में दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है, जो कि दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। इस नदी में 90 नाले खुलते हैं जो शहर को प्रदूषित करने के लिए काफी है। आपको बता दें कि ताज महोत्सव सालाना आगरा में आयोजित होने वाला एक दिन का महोत्सव है, जिसे हर साल फरवरी के महीने में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ताज महोत्सव आगरा में ताजमहल से कुछ ही दूरी पर स्थित शिल्पग्राम में मनाया जाता है। ताज महोत्सव एक सांस्कृतिक महोत्सव है जिसे बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है, जो भारतीय पर्यटकों के साथ साथ विदेशी पर्यटकों को भी बड़ी संख्या में अपनी तरफ खींचता है। क्या आपको बताया कि एक समय में आगरा भारत की राजधानी हुआ करता था? आगरा की केंद्रीय स्थिति को देखते हुए अकबर ने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब आगरा भारत की राजधानी था तब यहाँ की जीडीपी लंदन की तुलना में 4 गुना ज्यादा थी। आगरा के किले में राज्य का सबसे बड़ा कोषागार और टकसाल है, जिनका दौरा विदेशी राजपूतों और कई प्रख्यात हस्तियों द्वारा किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, एजुकेशन के मामले में भी आगरा काफी आगे है। आगरा का सेंट जॉन्स कॉलेज लगभग 165 साल पुराना है और शहर की दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में द क्वांटम कंप्यूटिंग लैब है, जो देश में क्वांटम कंप्यूटिंग की बहुत ही कम प्रयोगशालाओं में से एक है। दोस्तों, अगर इस शहर के पहनावे की बात की जाए तो शहर की महिलाएं साड़ी सूट से लेकर जीन्स तक पहनती हैं और पुरुष यहाँ कुर्ता पैजामा जीन्स पैंट्स पहनते हैं। और अलग अलग मौकों पर लोग त्योहारों और शादियों में घाघरा चोली और कुर्ता शेरवानी जैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं। आगरा के पास स्थित एकमात्र प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य कीमठ झील है, जिसे सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य भी कहा जाता है। झील में प्रवासी और निवासी पक्षियों की लगभग 2 दर्जन किस्में हैं। ताजमहल और अन्य कई ऐतिहासिक स्मारकों की होने के कारण आगरा में एक प्रसिद्ध पर्यटन उद्योग है। इसके अलावा आगरा में कई उद्योग और भी हैं। आगरा की लगभग 40% जनसंख्या काफी हद तक कृषि पर, चमड़े और जूते के व्यापार पर और लोहे की ढलाई पर निर्भर करती है। आपको बता दें कि वाराणसी के बाद 2007 में भारत में आगरा दूसरा सबसे बड़ा ज्यादा स्वरोजगार वाला नगर था। उत्तर प्रदेश की पहली प्लांट बायोटेक कंपनी हरिहर बायोटेक ताज के पास स्थित है। इस शहर में लगभग 7000 स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं। आगरा शहर अपने चमड़े के सामानों के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। सबसे पुराना और प्रसिद्ध चमड़ा फर्म ताज लेदर वर्ल्ड यहाँ के सदर बाजार में है। आगरा का चमड़ा उद्योग भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चमड़ा उद्योग है। इसके अलावा आगरा अपनी कुछ खास मिठाइयों जैसे कि पेठा, गजक और स्नैक्स, कपड़ा निर्माताओं और निर्यातकों और ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, आगरा भारत के सबसे गर्म और सबसे ठंडे शहरों में से एक है। गर्मियों के दिनों में शहर के तापमान में अचानक बढ़ोतरी देखी जाती है। गर्मियों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के निशान को भी पार कर जाता है। गर्मियों के दौरान दिन का तापमान 40 से 45 डिग्री के आसपास रहता है, लेकिन रात में अच्छी खासी ठंड होती है, तब तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक कम
कम हो जाता है। सर्दियों के दिन थोड़ी सी सर्द होती है, लेकिन यही आगरा में घूमने के लिए सबसे अच्छा मौसम है। तो दोस्तों, ये था बहुत ही खूबसूरत शहर आगरा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आज के वीडियो में आपको आगरा की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। आप में से कोई अगर आगरा से है तो हमें जरूर बताइए। वैसे क्या आप कभी आगरा गए हैं, और गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है, ये भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।